हेलो फ्रेंड्स मुनार्सिंग मो यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा रे आपने मान को बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स आज आम यही वीडियो रे डिस्कशन करिबा जूनियर टीचर बा जेटी पई कौन रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एवं सिलेक्शन प्रोसीजर कौन रही कौन रहइबो सिलेबस एवं आपण मान को कौन कौन क्वालिफिकेशन रही दरकार। तो फ्रेंड्स जदि वीडियो भल लगे तो गोटे लाइक करूँ और अधिकार अधिक कृपया सांगसाथी मान को शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स देखूँ आपण मान जन टीचर होगापी तीनोटी टाइप टीचर अच्छी देखो जूनियर टीचर अच्छी कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर रोचे ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन ओएबीएस टीचर रोचे। तो फ्रेंड देखो जूनियर टीचर है क्वालिफिकेशन रोचे प्लस टू कि आप ग्रेजुएशन करेंगे 50% मार्क रखिथे जो मैंने जनरल पिला अच्छा आज जो मैंने एससी एसटी एससीबीसी मैंने अच्छे से 45% मार्क रखिथे सहित सीटी कि बीएड करेंगे कि बीएलडी करेंगे सहित ओटीटी पास करेंगे दरकार। आज जो मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर आवेदन करेंगे से ग्रेजुएशन सीटी कि ग्रेजुएशन पास करेंगे 50% मार्क की जनरल आज जो मैंने एससी एसटी से तो जानते एससी एसटी एससीबीसी से 45% मार्क रखते हैं एलिजिबल अटंती सहित सीटी डीएलईडी एवं बीएड सहित आपको बीएलईडी जब कर एलिजिबल अटंती सहित आप ओएसटीटी पास कर दरकार। तापर देखु ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन जब आवेदन करेंगे तो आप पोस्ट ग्राजुएट करेंगे कि ग्राजुएट करेंगे सहित आप बीएड पास करेंगे सहित ओएसटीएड कि सीटेड पास करेंगे ताहले एथिपे आवेदन करेंगे। ये हूँ आप सर्ट फर्म में कहली कहीं जदि पूरा कहबी तो आप वीडियो बहुत लंबा हो तो आम स्पेसिफिक जेटी पर डिस्कशन करवा। तो देखो तो जूनियर टीचर है कनिष्ठ शिक्षक होगापी योग्यता रही दरकार कौन क्वालिफिकेशन रही है देखो जूनियर टीचर पर प्लस टू कि ग्राजुएसन पास करेंगे 50% मार्क रखिक मिनिमम जेनराल पाने जो मैंने एससी एसटी एससीबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अच्छा से 5% रिलैक्सेशन अच्छी तो से 45% मार्क रखते हैं एलिजिबल अटंती सहित आप सीटी और डीएलईडी करेंगे कि बीएलईडी करेंगे 4 इयर्स कि बीएड पास करेंगे बीएड आपर स्पेशल एजुकेशन 1 इयर करेंगे से एलिजिबल अटंती जदि आप 4 इयर्स इंटेग्रेटेड बीएड करेंगे तो आवेदन करेंगे 2 इयर्स बीएड करते आवेदन करेंगे। आउट इंपोर्टेंट पॉइंट रही है आपने निश्चित रूप ओटीटी पास करेंगे दरकार। तो देखो आप जेटी दुई टाइप अच्छे कैटेगोरी 1 कैटेगोरी 2 जदि कैटेगोरी 1 आवेदन करेंगे तो आपको प्रथम पंचम श्रेणी पर्यटन पिला पढ़ाए से ओटीटी पेपर 1 पास करते दरकार। आज जो मैंने कैटेगोरी 2 अप्लाई करेंगे से मैंने षठ रु अष्टम पर्यटन पिला पाठ पढ़े से ओटीटी पेपर 2 क्लीयर कर दरकार। तो यहाँ इंपोर्टेंट रही है। तो देखो कौन रही एज लिमिट देखो बयस सीमा रही एज आप जो डेट जो डेट्रे आप जो नोटिफिकेशन पब्लीश हे से डेट्रु आप 18 रु 32 वर्ष मध्य होता दरकार जेनराल पाने आज जो मैंने एससी एसटी एससीबीसी वोमेन एक्सर्विसमैन अच्छा से 5 इयर्स रिलैक्सेशन रही तो से 18 रु 37 वर्ष पर्यंत आवेदन करेंगे। आज जो मैंने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अच्छा से 10 इयर्स रिलैक्सेशन अच्छी एज तो देखो से 18 रु 42 वर्ष पर्यंत यहाँ आवेदन करेंगे। तो देखो आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट रही जो मैंने स्पेशल एजुकेशन रे सीटी कि बीएड करते अपॉइंटमेंट पाला 6 मंथर स्पेशल प्रोग्राम इन एलिमेंटरी एजुकेशन जहाँ कि 6 मंथर गोटे ब्रिज कोर्स करने को पड़ो देखो सिलेक्शन आप हिसाब रहा आप या पूर्व देखो 2016 निजुक्ति होता तीन वर्ष होगा आप जेटी निजुक्ति आसी ना तो से समय कौन थी ना एकेडेमिक परसेंटेज हिसाब से आपको सिलेक्शन कर एकेडेमिक आप प्लस 2 प्लस 3 ग्रेजुएशन सीटी बीएड परसेंटेज देखिए सिलेक्शन करते तो वर्तमान 2019 आप गाइडलाइन चेंज होती जेटी तो से आपको सीबीटी एग्जाम जहाँ परसेंटेज रखिए से हिसाब से सिलेक्शन कर। तो देखो सीबीटी ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट परसेंटेज हिसाब से सिलेक्शन कर। तो देखो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट बाहर कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम फाइनल मेरिट लिस्ट बाहर करेंगे काउनसिलिंग करेंगे से माने सिलेक्शन करेंगे। तो फ्रेंड देखो आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट रही है आप जो रिटर्न टेस्ट देते सीबीटी एग्जाम देते से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रही जो मैंने जनरल पिला अच्छा से 35% मार्क रखा पड़ो मिनिमम क्वालिफाई करवाई आज जो मैंने एससी एसटी एससीबीसी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन अच्छा से 30% मार्क रखा पड़ो सीबीटी एग्जाम ताल ए क्वालिफाई करेंगे जस्ट क्वालिफाई किंतु ए आपको
ସିଲେକ୍ସନ୍ ନୁହଁ, କ୍ୱାଲିଫାଇ କରାଯିବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜେଟିର ସିଲାବସ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି। ତ ଜେଟି 2016 ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଥିଲା ନିଯୁକ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ 2019 ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଇପାରେ, କିଛି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନୁହଁ, 2020 ମେ ବି ଆସିପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିପାରେ ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟିଚର୍ ଏବଂ ଓଏବିସି ଉପରେ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଜିକେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଜିକେ, ରିଜନିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ଯେ ଜେଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏବଂ ଜିକେ ଉପରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କିଛି ରିଜନିଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି, ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି। ତା ସହିତ ପେଡ଼ାଗୋଜି ବି ଆସିବ, ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଯାହା ରହିଛି ସେ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିନେଟିଭ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟିଚର୍ ଏବଂ ଜେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଓଏବିଏସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ରିଜନିଂ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ, ଜିକେ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେଡ଼ାଗୋଜି ସେକ୍ସନ୍ ବି ମିଳିପାରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।